अगर आपको ये शानदार रेसिपी प्यार से बनानी है और बहुत ही आसानी से बनानी है तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके उसको ग्राइंड कर लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये जबरदस्त कोकोनट नारियल की बर्फी हम बनाएंगे। ये एक फ्रेश कोकोनट था जिसको ग्रेट किया है, दो बोल के करीब होगा, मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको मम्मी यहाँ पे चला रही है, कौन सी फ्लेम पे? ये मीडियम फ्लेम पर है। थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेते हैं कोकोनट को। यहाँ पर हमने इसको एक मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है और ये नारियल को ना हमने छिलके के संग ही ग्रेट करा है, बस उसका आउटर हार्ड कवरिंग हटा दिया था और फिर उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। ये आधा कप मैंने दूध लिया है। चला के मिक्स करेंगे अभी हम। अब इसको कितनी देर तक करना है? थोड़ी देर, एक से दो मिनट। तो देखिए, अब मिक्स कर लिया है इसको एक मिनट और हमने, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। कितनी मम्मी? एक बॉल है, आप फोर्थ भी डाल सकते हैं, कम का है, नहीं तो एक बॉल। दो बॉल अपना कोकोनट था तो एक बॉल मैंने चीनी डाल दी है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद माय लवली मॉम विजयालिया जी के संग। देखिए, बचपन से खाती आ रही हूँ ये वाली मिठाई, तो आज मम्मी को बोला क्यों ना आज वही वाली आप मिठाई बनाओ जो बचपन से मुझे पसंद है। तो बहुत आसान होती है, घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के संग है। मम्मी, अगर फ्रेश कोकोनट नहीं हो तो ड्राई कोकोनट? हाँ, ड्राई कोकोनट की बन जाएगी। तो ड्राई कोकोनट का क्या करना है, उसमें हमें ग्रेट करना है? उसको ग्रेट कर लीजिए बस। अच्छा, डेसिकेटेड बन जाएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे डेसिकेटेड, उसको ग्रेट कर लीजिए, या तो ड्राई कोकोनट को या फिर आप फ्रेश कोकोनट को, चॉइस आपकी है। आप छिलके के पिको भी यूज करिएगा, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसीलिए मम्मी ने छिलका, आप उसको मत हटाइएगा। तो अब इसको चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। नहीं, मेल्ट होने तक अभी इसको कुक करना है। अच्छा, और कितनी देर करेंगे? अभी लगेगी 4 से 5 मिनट लगेगी अपने को। ठीक है, तो 4 से 5 मिनट फ्लेम पर। हाँ, ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। और कैसे पता चलेगा मम्मी चीनी मेल्ट हो गई है? ये कढ़ाई छोड़ देता है, देखिए अभी। तो मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है। ये जरूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा रिच टेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अब मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। 1 चम्मच घी का डाला है हमने इसमें। और इसको अभी हम स्लो फ्लेम पे ही सिकने दे रहे हैं। कितनी देर से? बस रेडी हो गया है, ये देखिए आपने इकट्ठा हो रहा है, ये पैन छोड़ रहा है। और ये देखिए, ज्यादा ड्राई करने से भी क्या, फिर बर्फी ड्राई बनेगी। अच्छा, ज्यादा ड्राई भी नहीं करना है। और अब हम इसको सेट करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये मैंने बटर पेपर लगा दिया इसमें ताकि बर्फी अपनी इजीली निकल जाएगी। और ये मैं ग्रीस कर रही हूँ इसको। हम इसको ग्रीस करके हम हमारी मिठाई को इसमें डाल देंगे और सेट कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। इसको पूरे में स्प्रेड कर लिया और अब इसको ठंडा होने के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे हम। 2 से 3 घंटे में ये ठंडी होगी, या फ्रिज में रख लीजिए आप 1 घंटे के लिए। ओके, सो देखिए अब ये सेट हो चुका है। अब ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स जो भी आप खाते हैं, पिस्ता बादाम, उससे गार्निश कर लीजिए। ओके, आप बिना ड्राई फ्रूट्स के बना सकते हैं। देखिए, बादाम पिस्ता की कतरन हमने यहाँ पर डाल दी है और अब हम इसको 2 से 3 घंटे इसको सेट होने देंगे। सो अब बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय एवरीवन।